कौन है सैयद अली शाह गिलानी, क्या है हुर्रियत और कौन कौन से लोग हैं इसमें शामिल। सैयद अली शाह गिलानी ने ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस यानी कि APHC से इस्तीफा दे दिया। गिलानी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन थे, उनके इस्तीफे से अफवाहों का बाजार गर्म है। कोई कह रहा है कि आतंक की कमर टूटने से गिलानी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो कोई कह रहा है कि गिलानी की उम्र अधिक हो चली थी इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। कोई ये भी कह रहा है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। हालांकि इस इस्तीफे के बाद ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि क्या सच में हुर्रियत के नेताओं में फूट पड़ चुकी है या फिर हुर्रियत की भी कमर टूट चुकी है। आपको बता दें कि हुर्रियत का मतलब होता है आज़ादी। हुर्रियत के नेता आज़ाद कश्मीर के लिए काम करते थे। हुर्रियत के नेताओं पर पाकिस्तान के साथ साठगांठ करने के कई आरोप लग चुके हैं, जेल तक जाना पड़ा है। अभी भी गिलानी अपने घर में नज़रबंद हैं। आइए एक बार हुर्रियत के इतिहास पर नज़र डालते हैं। दरअसल ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की स्थापना 9 मार्च 1993 को हुई थी। सैयद अली शाह गिलानी का इसमें अहम रोल था। गिलानी के साथ साथ मीरवाइज उमर फारूक, अब्दुल गनी लोन, मौलवी अब्बास अंसारी और अब्दुल गनी भट्ट भी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की स्थापना में शामिल थे। पहले चेयरमैन के तौर पर मीरवाइज उमर फारूक को जिम्मेदारी मिली थी। 1997 में इस पद पर सैयद अली शाह गिलानी को बैठाया गया। धीरे धीरे हुर्रियत में टकराव भी देखने को मिला, फिर यह संगठन दो हिस्सों में बट गया। मीरवाइज उमर फारूक अलग हो गए जबकि गिलानी गुट ने अपना अलग रास्ता अपना लिया। मीरवाइज के गुट को मॉडरेट हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कहा जाने लगा जबकि दूसरी तरफ गिलानी ने अपने संगठन तहरीक ए हुर्रियत को कॉन्फ्रेंस का नाम दे दिया। जिस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन पद पर गिलानी थे उसकी स्थापना 7 अगस्त 2004 को हुई थी। इस्तीफा देते हुए गिलानी ने यह भी कहा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ताज़ा हालात को देखते हुए मैं इस फोरम से अपने इस्तीफे की घोषणा करता हूँ। यूनिट्स को भी एक पत्र द्वारा सूचना दे दी गई है। आपको बता दें कि गिलानी की उम्र लगभग 90 साल है। वे फिलहाल अपने ही घर में नज़रबंद हैं। पाकिस्तान के साथ खुफिया रिश्तों के लिए गिलानी को कई बार जेल जाना पड़ा है। गिलानी का इस्तीफा धारा 370 हटाए जाने, केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में लगातार बदल रहे हालातों के बीच अलगाववादी सियासत की बड़ी घटना मानी जा रही है। वहीं हुर्रियत को अच्छे से समझने वाले लोगों का कहना है कि संगठन में गिलानी का विरोध लगातार बढ़ रहा था। इसका कारण ये था कि पिछले कई सालों से गिलानी जम्मू कश्मीर के अलगाववादी सियासत में कुछ नया या कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद जब से कश्मीर की स्थिति बदली है तब से मानो इन पर एक तरह से चाबुक चल गया हो। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले की सरकारें अलगाववादी नेताओं को अच्छी खासी सुविधाएं मुहैया करवाती रही हैं। इन नेताओं ने जम्मू कश्मीर के लोगों को बहला फुसला कर उग्रवादी बनाया, आतंकवादी बनाया, पत्थरबाज बनाया और खुद के परिवार को घाटी से बाहर रखा, अपनी प्रॉपर्टी बनाई, होटल बनाए और अपना कारोबार चमकाया। गिलानी पूरे जीवन भर भारत और भारतीय सेना की आलोचना करते रहे और अब अंतिम समय में मानो घुटने टेक दिए हों।